आपका और टुडे वी आर गोइंग टू डू लेग्स वर्कआउट जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है और हम लोग घर पे रह के सिर्फ आपको चाहिए पेयर ऑफ डंबल्स की और एक अदद जमीन की। हम बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे। वार्म अप हम किस तरह से करेंगे, हम दो एक्सरसाइजेज वार्म अप में करेंगे, वो आपको 50-50 या 100-100 रेप करनी है, आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है और आपके स्टेमिना पर डिपेंड करता है, 50 कर सकते हैं या 100 कर सकते हैं, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको 30 से स्टार्ट कर सकते हैं, 20 से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चले बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद द जंपिंग जैक्स ताकि आपके लेग्स प्रॉपर वार्म अप हो। और गाइस वार्म अप बहुत जरूरी है, ठीक है, जितने आपकी बॉडी वार्म होगी आप एक्सरसाइज करते वक्त आपको आपके नी में या आपके किसी भी लेग्स में आपके किसी भी जॉइंट में प्रेशर नहीं आएगा और आपका वो जो है जो जॉइंट्स हैं लेग्स हैं आपकी प्रॉपर वार्म होंगी तो आपको इंजरी का खतरा नहीं होगा। ओके 50 जंपिंग जैक्स एक्सरसाइज से जंप विद स्क्वाट्स वो आप किस तरह से करेंगे, आप किस तरह से लेग वाइड होगी, आप स्क्वाट्स पोजीशन में जाएंगे अप एंड जंप, ठीक है। अगर आप बिगनर हैं तो आप जो है बिना जंप के आप खाली स्क्वाट्स करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 साइज है ऑल्टरनेट लंजेस जो कि यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स और ये हमारी जो है इस पोजीशन में हम आएंगे और नी पांव से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। ये हमारी जो है रॉन्ग पोजीशन है और ये जो है नी से पाँव से पीछे जो नी होगा वो हमारी राइट पोजीशन होगी। नी हमारा जो है 90 डिग्री एंगल में होगा और आप इस तरह से पीछे वाला पाँव जो है जितना मैक्सिमम पीछे लेके जाएंगे आपका नी जो है पाँव से आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एक्सरसाइज है स्क्वाट्स। स्क्वाट साइड टू साइड और वो आपके क्वाड्स और ग्लूट्स को हिट करता है, वो आप किस तरह से करेंगे, हाथ इस पोजीशन में लेके जाएंगे और सेम नी पॉम्प से आगे नहीं होना चाहिए। स्टार्ट स्क्वाट्स। 1, 2, 3, 4 वापस 1, 2, 3, 4 आपको साइड एंगल भी बताते जाओ आप किस तरह से करेंगे। 1, 2, 3, 4 वापस 1, 2, 3, 4 परफेक्ट। एक्सरसाइज है हिप ब्रिज सिंगल है वो आप किस तरह से करेंगे, मैट पे आप इस पोजीशन में आके आप इस अपनी एक लेग को ऊपर उठाएंगे, हाथ नीचे जमीन पे रखें और स्टार्ट। 1, 2 ये आपकी ग्लूट्स के हिट करती है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकेंड साइड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 परफेक्ट। नेक्स्ट वीडियो है सोमो स्क्वाट्स वो आप इस पोजिशन में करेंगे, आपकी लेग्स वाइड होंगी, ठीक है। अपने टो आउटवर्ड करेंगे इस पोजिशन में और एक आपको डंबल की ज़रूरत है, ठीक है। लेग्स वाइड करें मैक्सिमम जितनी कर सकते हैं, नी पाँव से आगे नहीं जाना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं। 1 स्ट्रेट नीचे जाना आपकी मेक श्योर रहेगा आपकी बैक स्ट्रेट हो, स्लो ऊपर आना है ताकि आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट हो आपका ट्राई कर। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 good, perfect.
एक्सरसाइज है डेडलिफ्ट, जो आपके हैमस्ट्रिंग को हिट करेगी। एक डेडलिफ्ट हम करते हैं जो हमारे बैक के लिए होती है, उसमें नींद हमारा जो है प्रॉपर बैंड होता है। हैमस्ट्रिंग में आपने नींद जो है बिल्कुल लाइट सा बैंड करना है, लाइक दिस। डेडलिफ्ट की ये पोजिशन होती है कि ये, और जो हमने हैमस्ट्रिंग के लिए करना है उसमें आपने पाउंड जो है शोल्डर पार्ट और नी स्लाइटली बेंड करनी है। आपने हैमस्ट्रिंग्स पे जो है स्ट्रेच फील करना है, ठीक है, स्लो नीचे जाना है ताकि आपके हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच हो, ठीक है। टू थ्री स्लो नीचे जाना, स्लो ऊपर आना है। फोर ताकि मसल को प्रॉपर ऑक्सीजन मिले। फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, परफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे साइड लंजेस, ठीक है। इस तरह से लेग्स आपने ओपन करनी है, वो भी इनर थाइस को हिट करता है। आपके जो आपने इस पोजीशन में आना है, ठीक है, बट को पीछे पुश करना है मैक्सिमम जितना आप पीछे पुश कर सकते हैं, ठीक है। आपका नी पॉम से आगे नहीं जाना चाहिए और बैक शुड बी स्ट्रेट। वन, यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, और आप अगर बिगिनर हैं तो आप डंबल्स नहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन। लंचेज में हमेशा आपने मेक श्योर रहना है कि आपका नी पॉम से आगे ना हो, लाइक दिस। ये चीज़ नहीं आपने करनी, और इस तरह से आप बिल्कुल पीछे नहीं इसको लेके जाना। आपने बिल्कुल आपका जो है बट पीछे पुश करके, जितनी बट पीछे पुश करेंगे आपका एंगल उसी तरह ठीक होता है। एक्सरसाइज है काफ रेजेस, वो आप इस तरह से कर सकते हैं। आपको पेयर ऑफ डंबल्स की ज़रूरत है, और अगर आप डंबल्स नहीं है आपके पास या डंबल्स से बगैर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। इस तरह से आपने इस पोजिशन में आना है, ठीक है। आपने आहिस्ता से हील को ऊपर करना है और स्लो नीचे करना है, लेकिन ज़मीन के साथ आपकी हील टच नहीं होती, ठीक है। स्टार्ट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन गाइस। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्वाड एक्सटेंशन, जो हम क्वाड्स के लिए एक्सरसाइज। आप इस पोजीशन में आएंगे, यू नीड अ पेयर ऑफ डंबल्स, और अगर आपको लगता है कि आप बिगिनर हैं आप डंबल्स के साथ नहीं कर सकते, आप डंबल्स छोड़ते हैं, ठीक है। आपने डंबल को इस पोजीशन में लेकर जाना है, इस पोजीशन में आप डंबल को रखेंगे, ठीक है। और आपने स्ट्रेच यहाँ फील करना है। माइंड और मसल का कनेक्शन बहुत ज़रूरी है, कि आपको जिस मसल की एक्सरसाइज कर रहे हैं उस मसल को जहन में रखते हुए आप वो एक्सरसाइज किया करें। ये एक्सरसाइज हमारे क्वाड्स के लिए, स्टार्ट करते हैं। वन, आप ऊपर देखेंगे फिर से। टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन टेन। ओके गाइज, और ये एक्सरसाइजेस बहुत ही इफेक्टिव हैं, और उन सब खवातीन के लिए जो मुझे इंटरनेट पे है या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करती हैं, हमारी थाइस बहुत ज़्यादा बहुत हैवी हैं, हमारे ग्लूट्स बहुत हैवी हैं, हमारी हिप जो है बहुत वाइड है, तो हम इसको किस तरह से कौन सी एक्सरसाइज करें जो बहुत इफेक्टिव हो। ये एक्सरसाइज जो है हिप ग्लूट काफ और हैमस्ट्रिंग्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। जो आपके क्वाड्स हैं, हैमस्ट्रिंग्स हैं, काफ्स हैं, ग्लूट्स हैं, उनके लिए बहुत इफेक्टिव है। आप ये एक्सरसाइज कर सकती हैं, और आपको लगता है कि आपको ये एक्सरसाइज जो है अगर पसंद आई है तो उसको शेयर करें, और आप अपने जो फ्रेंड्स जो हैं आपकी गैदरिंग है आप उनमें शेयर करें, जो आपको लगता है कि ये एक्सरसाइज आपके फ्रेंड इस फ्रेंड को करनी चाहिए जो, तो उनके साथ शेयर करें, ज़रूर शेयर करें। और जितना भी अच्छा स्टफ़ है, जितना भी अच्छा कंटेंट है, आप कोशिश किया करें कि आप दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ। और आई होप आप लोग सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको प्लीज़ मेरे जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें जो भी मेरी नई वीडियो हो, ताकि आपको सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। और आज के लिए इतना ही गाइस, बाय बाय।